नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइफ को इजी बनाएं मेरे साथ। और जितना ज्यादा शेयर करेंगे, बात ऐसी है कि जो भी काम हम करते हैं, अगर मेरे द्वारा किसी का भला होता है, अच्छा होता है, या आपके द्वारा किसी का भला होता है या अच्छा होता है, तो ये समझिए कि आपके पुण्य के खाते में जाते हैं। ये चीज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जो बातें हैं वो माने, और मानकर अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। तो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, जो लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। वो ऐसा कि अगर जिस भी वॉल में आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपका बेडरूम हो, आपका ऑफिस रूम हो, आपका स्टडी रूम हो, या लिविंग रूम हो, कहीं पर भी साउथ के वॉल पर रेड कलर का यूज़ करें। इसके अलावा रेड कलर का फ्रेम में आप उड़ते हुए बजरंगबली का फोटो अगर रखते हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगे। बजरंगबली जिस तरह संजीवनी पहाड़ को लेकर उड़ जाते हैं, तो वैसा अगर फोटो रखने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का भी खात्मा होता है, नाश होता है। इसके अलावा आप उसको रेड फ्रेम करके अगर लगाते हैं बजरंगबली को, किसी भी फॉर्म में, बजरंगबली का कोई भी फॉर्म हो, रेड फ्रेम में अगर आप लगाते हैं, तो आपकी प्रसिद्धि, आपका फेम बढ़ता है और लोग आपको जानने लगते हैं। इसके अलावा कुछ किचन के टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे किचन में बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रिज में बहुत सारा सामान बहुत दिनों से पड़ा है, देखते भी नहीं है कि उसमें क्या खराब हो चुका है, क्या अच्छा है। तो चीज़ों को देखना ज़रूरी है। कोई भी एक्सपायर चीज़ अगर आपके किचन में रहता है या आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से आप देख नहीं रहे हैं, या पड़ा है तो पड़ा है, आपने कभी केयर नहीं किया, तो उसको हटाइए। कोई भी एक्सपायर सामान घर पे रखना ही नहीं चाहिए। अगर फ्रिज में भी पड़ी हुई है, कोई सामान खराब हो चुकी है, उसको इमीडिएट डस्टबिन में डालें, और जितनी भी चीज़ें हैं सबका चेकिंग करें कि कोई एक्सपायर चीज़ आपके घर पर तो नहीं है, चाहे वो क्रीम पाउडर हो, चाहे वो किचन के सामान हो, खाने पीने का सामान हो, या कुछ भी हो, एक्सपायर चीज़ों को घर से बाहर करें। इससे क्या होगा, आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है फाइनेंस को जमा करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, सेव नहीं कर पा रहे हो, पैसा आ रहा है लेकिन सेविंग्स नहीं हो रहा, तो इसकी एक वजह यह भी है कि हम घर पर चीज़ों को, एक्सपायर चीज़ों को रखते हैं और केयर नहीं करते। फ्रिज में चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनका हम ध्यान नहीं देते, इनको हटाइए। और एक टिप्स बताती हूँ, जिससे पैसा आपको आएगा और सेव भी कर पाओगे, और एक गुड लक, जो जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको नहीं मिलती है, जिन लोगों को, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ें हैं। आपको चाइनीज़ कॉइन तो पता होगा, जो बाज़ार में इजीली मिल जाती है। कॉइन जो चाइनीज़ कॉइन से वो तांबे की तरह देखने में लगता है, अगर चाइनीज़ कॉइन नहीं भी अवेलेबल है तो तांबे का कॉइन जिसमें होल बना रहता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉइन्स है, चाइनीज़ कॉइन्स को अगर आप ले लेते हैं, 3 कॉइन ऐसा लीजिए चाइनीज़ वाला, और उसको रेड रिबन से आप बांधिए, और रेड मार्कर से उस पर स्वस्तिक बनाएं या ओम बनाएं, जिन लोगों को जो पसंद है, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो आपका जो भी लकी सिंबल है वो उसमें ड्रॉ कर सकते हैं आप। उसको अपने पर्स पर रखें, अगर चाइनीज़ सिक्के नहीं हैं तो तांबे वाले सिक्के में रेड रिबन बांधें, 3 ऐसा बनाएं राउंड राउंड करके, 3 एक फॉर्म में तैयार करें उसको, स्वस्तिक या ओम बनाएं, उस पर भी रेड मार्कर से ही बनाना है, बनाकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या अपने लव्ड वन को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो वो उनके लिए वो लकी चार्म बन जाएगा, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आप पैसा सेव भी कर पाओगे, आप अर्न भी कर पाओगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप मानते हो तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति होगा। और आशा करती हूँ ये जो टिप्स मैं बताती हूँ, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए, उनकी लाइफ में जितनी समस्याएं सब खत्म हो जाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, बहुत खुशी से रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।